गीता रानी एडवोकेट नेशनल डीएलएफ की अध्यक्ष महोदया व वाइस प्रेसिडेंट डीएलएफ की अरुणा भारती जी एलडीएफ सामने लिखा हुआ थोड़ा सा एलडीएफ की नेशनल उपाध्यक्ष अरुणा भारती जी वे आप देख ही रहे होंगे कि डॉक्टर देशराज जी को जो सिर पर एक नीली पगड़ी बांध करके एक निराले और अजब गजब से यहाँ पेश हुए हैं और ये सारी जिन्होंने इन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया है ये हमारे बहुजन समाज के लिए कर्णधार है ये कार्य के बढ़ाने के लिए एक नौजवान साथी है और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे हमारा सहयोग इनके साथ है। और ये मंच पर आसीन हमारे बुद्धिजीव और अपने अपने क्षेत्र से ख्याति प्राप्त आपको ये जानकर हर्ष होना चाहिए कहाँ लंदन है वहां से हमारे बीच में महानुभाव यहाँ उपस्थित हो गए हैं कितने महान विभूति हैं ये हमारे समाज की शान है। और भारतीय सम्मान दिवस आज मनाया जा रहा है एक कितना हर्षोल्लास की बात है और इस संविधान की वजह से आज हमारे प्रदेश प्रांत गांव कूचे से आज हमारे सामने फूल की तरह खिले हुए हमारे सभी बहुजन समाज के साथी यहाँ उपस्थित हैं इससे गौरव की क्या बात हो सकती है। और जिस बहुजन समाज में और जिस देश की रीढ़ के लिए अगर हमारी नारी शक्ति और जगत जननी हमारे इस मुहिम में साथ हैं तो दिन दूर नहीं है न सड़क से सांसद दूर होगी और न जमीन से हर्ष दूर रहेगा। अभी हमारे डॉक्टर लाल सिंह जी कह रहे थे आप वो चीज को देखिए कि भाई हमें संविधान के माध्यम से उस राजनीतिक ताले को खोलना है और मैं एक छोटा अपना अनुभव आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ जो भाई जहां से जुड़ा हुआ है जैसे भी जुड़ा हुआ है आप वहां लॉयल रहे और जिस भाई को वो उस तरह का एक राजनीतिक कहीं से मंच कहीं से एक अधिकार मिल जाए तो वहां टूट पड़े एक तरह से वो किसी भी एबीसीडी किसी पार्टी से लेकर हमारा साथी वहां लड़ रहा है उसके साथ होकर के ताले हम संविधान को जब भी सुरक्षित रख सकते हैं जब वो चाबी जो है ना वो ताले की चाबी हमारे पास हो। और अभी हमारे लाल सिंह जी कह रहे थे ऐसा नहीं हमने हिस्सेदारी मांगनी नहीं है हिस्सेदारी एक दिन हमारे से लोग मांगेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो हमारे को दिया है उनका कहना था अरे भाई हर आदमी की सोच नियत नीति विचार विजन उच्च कोटि का होने चाहिए वो शेरे जंगे इंसान है अगर उसके विचार और उसकी कोटि के विचार निम्न स्तर के हैं वो मरा हुआ इंसान है। इस दुनिया के अंदर गरीब आदमी का सभी हंसते हैं इस दुनिया के अंदर अमीर से सभी जलते हैं लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमारे संविधान दिया हमारे समाज के लिए एक अनमोल रत्न है जिसके लिए दुनिया तरसती है। और मैं छोटा अपना मेरा नाम भूप सिंह खंडवाल है और 40 साल 8 महीने की भारत सरकार की यात्रा करके मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं और मैं कैबिनेट मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधानमंत्री कार्यालय 20 साल 4 साल में अपने मंत्रिमंडल सचिवालय और 7 साल ऊर्जा मंत्रालय में अपने मान सम्मान के साथ अपने सफर को पूरा करके आज बीच में हूं आपके सामने। और मैं इस मंच से वादा करता हूं इस संविधान को बचाने के लिए अपने अधिकार के जो हनन होता है उस अधिकारों को मानने के लिए हम मेरे तरफ से तन मन धन से मैं इस एलडीएफ के साथ बिल्कुल जुड़ूंगा और जो मेरा नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर है जब तक ये लोहतरा मृत्यु सैया पर नहीं जाएगा जब तक मैं अपने सभी साथियों को पढ़े लिखे नौजवान साथियों को बड़े बड़े विद्वानों को शिक्षाविदों को इस मुहिम से जोड़ करके और उस संविधान की रक्षा करके और उस चाबी को छीनने की कोशिश करूंगा यही मेरा आज का जय भीम जय भारत जय हिंद जय संविधान जय संविधान जय संविधान।
महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान आज संविधान दिवस के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय सुभाषचंद्र राम जी बहन साहब आज के आयोजक जिन्हें हमें यह मौका दिया बोलने का, माननीय डॉक्टर जी डॉक्टर साहब, बहन गीता देवी जी, बहन अरुणा भारती जी, पुरेंद्र साहब, बहन विद्या गौतम जी और मंच पर और दूसरे भी महानुभूति बैठे हैं, सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ। मेरे सामने हॉल में बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे बहुजन समाज के कर्ता धर्ता, सबसे पहले मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगी कि आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं संविधान दिवस के रूप में। संविधान ही हमारी आजादी है और संविधान ही हमारी गुलामी है। संविधान है तो हम आजाद हैं, संविधान नहीं है तो हम गुलाम हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ आपको बताया है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि वक्ता बहुत हैं, एक मिनट में ही आपकी अपनी बात खत्म करूंगी कि आज जितनी हमारी संगोष्ठी होती है, प्रोग्राम होते हैं, हम विभिन्न तरह के प्रोग्राम पूरे देश में चले हुए हैं विभिन्न संगठनों के माध्यम से, जागृति भी बहुत है। और मैं नमन भी करना चाहूंगा उस महापुरुष को जिन्होंने मुझे भी आज आपके बीच में खड़ा होने का अवसर प्राप्त किया है। बाबा साहब को इस देश में जनाने वाले कौन थे? साहब कांशीराम जी, ये सच्चाई है। साहब कांशीराम जी ने ऐसी क्रांति चलाई इस देश में कि बाबा साहब के बारे में हर बच्चा आज जानता है। और हमारा दुर्भाग्य है, खासकर मैं अपना भी कहूंगी कि साहब कांशीराम जी आज हमारे बीच में नहीं है, नहीं तो जो डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारा राजा नहीं है, हमारे राजा वो थे और आज देश के प्रधानमंत्री होते अगर आज साहब कांशीराम जी हमारे बीच में जिंदा होते। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन दोनों महापुरुषों ने जो हमें ताकत दी, विचार दिया, शक्ति दी, बाबा साहब और साहब कांशीराम जी ने, आज हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब एकजुट होकर, सामाजिक लड़ाई तो है ही लेकिन अब सबसे बड़ी लड़ाई इस देश में है वो राजनीति की लड़ाई है और सत्ता प्राप्ति की लड़ाई है। और मैं आपके बीच में एक ऐलान करके जा रही हूं कि जहां भी हमारे बड़े बैठे हैं, जो भी हमें आदेश करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कौन सी पार्टी है, हम ये नहीं देखेंगे कौन नेता है, सिर्फ ये देखेंगे कि संविधान को लागू कौन करेगा और समाज का सम्मान और स्वाभिमान कौन बढ़ाएगा। हम उनके आदेश की पालना करेंगे। और पूरे हरियाणा की तो मैं जिम्मेवारी ले सकती हूँ, देश की जिम्मेवारी नहीं ले सकती। हरियाणा की मैं जिम्मेवारी आपके बीच में लेकर जाती हूँ कि जो आपका मंच का आदेश होगा, हम उन आदेशों की पालना करते हुए उन बेईमानों को, चोरों को, जिन लोगों ने हमारे समाज को सताया, हमारा शोषण किया है, उनको सबक सिखाने के लिए हरियाणा प्रदेश में हम सत्ता प्राप्ति की तरफ जाएंगे और सत्ता में बैठकर जो भी हमारा संविधान आज तक लागू नहीं हुआ, जैसे भानु प्रताप जी ने बताया कि हमारी प्रस्तावना ही अभी तक लागू नहीं है तो संविधान कहां से लागू होगा, और प्रस्तावना में ही सब कुछ है, तो हम सत्ता में बैठकर ही अपने समाज का भला कर सकते हैं, अपने समाज को सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी दे सकते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, खासकर गीता बहन जी का, डॉक्टर साहब का, जिन्होंने मुझे आपके यहाँ रूबरू होने का समय दिया, मौका दिया। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए मंच पे विराजमान तमाम समाज के विद्वान परिषद, सामने सभागार में उपस्थित दिल्ली के दूर दराज गांव ग्रामीण क्षेत्रों से उपस्थित हमारे भाई एवं बहनों में सभी विद्वान साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय जय। साथियों, आज संविधान सम्मान दिवस के रूप में यहां हम सभी इकट्ठा हुए हैं। देश आज बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है।
पूरा देश के हर तबका आज सरकार के गतिविधियों से त्राहिमाम कर रहा है। देश को चलाने वाले जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो हमें सत्ता के भागीदारी से किस तरह देश के 85% बहुजनों को दूर किया जाए उनका दिन रात काम चल रहा है। जरूरत इस बात की है कि चाहे किसी भी मंच किसी भी संगठन से हमारे विद्वान साथी दोस्तों मित्रों जुड़े हुए हैं उन्हें मैं नहीं चाहता कि आप एक जगह हो, एक जगह तो हो ही नहीं सकता, ये परिस्थितियां बहुत पहले से चली आ रही है। उस समय भी जिस समय देश में संविधान लिखने की जरूरत थी परम पूज बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने कितनी कठिनाइयां आई, किस विषम परिस्थितियों में उन्होंने देश का संविधान आपके सामने रखा, जो देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूरे विश्व में बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। आपके संविधान को भी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां तरजीह नहीं दिया जाता, क्योंकि भारत का ही संविधान एक ऐसा संविधान है पूरे विश्व में जिसमें हर चीज की लिखित वर्णन है, लिखित चर्चा है। बहुत सारे देश है जहां का संविधान है ही नहीं और व्यक्तित्व पर काम चलता है, लेकिन एक एक चीज की व्याख्या बाबा साहब ने संविधान में किया है जिसकी हर चीज की चर्चा आज सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से की जाती है। और अब जब सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि भारत का संविधान खतरे में है जिसको बचाने की पूरी जिम्मेवारी दी गई है, जब वो कहता है तो समझिए कि और क्या बचा। तो मेरी ये गुजारिश है साथियों कि जो जहां भी जिस परिस्थिति में है आज देश में संविधान को बचाने के लिए आज जरूरत है पूरे भारत में नीली क्रांति की। आप पढ़े होंगे इतिहास को, जब 1919 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो वहां हजारों पार्टियां थी और जब जार के खिलाफ आंदोलन हुए थे सारे एक हो गए थे। उसी तरह जरूरत है हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान में जब तक नीली क्रांति नहीं होगी दलित बैकवर्ड एससी एसटी ओबीसी कुछ मानवाधिकार की बचाव की लड़ाई नहीं होगी। नीली क्रांति की आवश्यकता है और सभी लोग जुड़ जाए, चाहे जो जहां भी जिस संस्था में है जुड़िए और अपने अधिकार के लिए अपने संविधान के लिए आगे आइए। संघर्ष की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आज जो यहां बैठे हैं संघर्ष के साथ साथ आर्थिक सहयोग की भी जरूरत है। मैं उसके लिए भी आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि कोई भी संस्था कोई भी संवर्ग के लोग अगर आपके पास जाते हैं तो हम और आप सक्षम हैं, हम किसी भी संस्था को चलाने के लिए सक्षम हैं। आप उनको आर्थिक भी सहयोग करें चाहे वो किसी भी पार्टी से किसी भी संस्था से है, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझते हैं कि कौन सा आदमी किस आंदोलन के माध्यम से हमारी बात को सरकार तक पहुंचा सकता है। आज हमारा भी एक आंदोलन है, आज हमें एक उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग बच्ची दलित में अपने ही समाज की थी 12 वर्षीय बच्ची की सामूहिक रेप करने के बाद हत्या हो चुकी है, उसके खिलाफ आज हमारा आज तक आरोपी बाहर है उत्तर प्रदेश के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के रामपुर गांव की घटना है। आज हमारा दिल्ली का टीचर्स अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच के माध्यम से कैंडल मार्च है जंतर मंतर पे 4:30 बजे, यहाँ के बाद हम वहीं जाएंगे। और आप सभी से भी गुजारिश है कि जो लोग वहां सामूहिक है जो पहुंचना चाहे उस कैंडल मार्च में आ सकते हैं। तो इस तरह तमाम संगठन जो है साथी कुछ न कुछ करता है और आप अपना बहुमूल्य समय के साथ साथ आर्थिक सहयोग देकर अपने समाज के संघर्ष को आगे बढ़ाने का जो जहां है वहां काम करें, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर हो, चाहे वो विश्वविद्यालय लेवल पर हो, चाहे वो व्यवसायिकता में हो, न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में हो, कहीं भी हो, आप अपने समाज के बात को आगे बढ़ाने के लिए जब तक आप प्रेशर नहीं बनाइएगा, जब तक आप दबाव नहीं बनाइएगा, जब तक आपके पास गैदरिंग नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इसके लिए आगे आने की सभी की जरूरत है। बहुत सारे महान विद्वान परिषद हमारे सामने वक्ता है, समय नहीं है, फिर कभी वक्त मिलेगा तो हम आपसे मुखातिब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। डॉक्टर देशराज जी, गीता जी,
एसआर कुरिल जी, डॉक्टर रमा पांचाल जी, कांता अलरिया जी, डॉक्टर अजमेर सिंह जी, अर्चना गौतम जी, श्री मेहरा जी, अशोक सागर भाई, मैडम कबीर जी, मुखिया साहब और समाज के सभी बुद्धिजीवी भाइयों और बहनों, ১৯৮০ में हम संविधान दिवस मनाया करते थे बल्लभगढ़ में। वहां उस समय एक जज थे, वो हमें कहते थे संविधान दिवस मनाना है। उनके नाम से वहां पर काफी वकील भी आते थे। तब हम चिंता करते थे, चिंता नहीं कि संविधान ने हमें क्या देना था, क्या दिया और क्यों नहीं दिया, और हमें क्या करना चाहिए। तो उस पे बहस ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि हमें आराम से मिलता रहा जो बाबा साहब ने दिया। मैं धन्यवाद करता हूं उस शख्स का जिन्होंने दिल्ली में संविधान जलाया। जिस दिन से वो संविधान जलाया है, उस दिन से जो जागृति संविधान के बारे में आई, वो पहले कभी नहीं आई। बहुत बढ़िया सोच। और आज पूरे देश में संविधान पे चर्चा देख के मन बहुत गदगद। लेकिन जो खतरा है उससे एक चिंता भी, और खतरा बहुत बड़ा है। हालांकि बाबा साहब ने बहुत सेफ्टी वॉल्स बनाए थे कि संविधान को कोई खतरा ना बने, उन्हें भी पता था खतरा होगा, ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कोई इसको आसानी से बदलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और जो मूल टाइपराइटर है जिससे बाबा साहब ने संविधान लिखा था, आपको जान के खुशी होगी कि वो मूल टाइपराइटर भी आज बाबा साहब के नाम से एक नागपुर में म्यूजियम बना हुआ है। उस म्यूजियम में वो टाइपराइटर आज भी सुरक्षित है, जिससे स्वयं बाबा साहब ने टाइप किया था संविधान। चिंचोली बाबा साहब की हर चीज वहां सुरक्षित रखी है। और वहां 7 एकड़ में म्यूजियम बना, वो म्यूजियम एक वहां की महिला थी नागपुर की, उसके कोई बेटा कोई बच्चा नहीं था। जब वो मरने लगी तो उसने वो 7 एकड़ जमीन अपनी बाबा साहब के म्यूजियम बनाने के लिए वो करके मरी। तेली जाति से थी वो महिला। उस संविधान से बाबा साहब ने, और आपको एक जानकारी और भी, दुनिया में सबसे ज्यादा उस समय कोई टाइप करने की स्पीड थी किसी की तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की। मूल संविधान बाबा साहब चाहते थे सुरक्षित रहे। जो ओरिजिनल लिखा था बाबा साहब ने, वो संविधान दिल्ली में एक बहुत ही सुरक्षित जगह रखा गया। कई दरवाजे उसमें वहां तक पहुंचने के लिए, कई चाबियां और कई अथॉरिटियां ये लिखी गई कि राष्ट्रपति भी उस पे दस्तक करे, प्राइम मिनिस्टर भी करे, ला मिनिस्टर भी करे, बहुत अथॉरिटियां, तब उस ताले को खोला जा सकता है। लेकिन पिछले समय में ऐसे बदमाश पहुंच गए कि उन्होंने सारे तालों को खोल के उस मूल संविधान को बाहर निकाला और उस मूल संविधान की प्रति में कुछ तस्वीरें जोड़ी और मीडिया को दिखाई गई कि इसमें देखो रामायण की भी तस्वीर है, मूल संविधान की, और उसको टीवी चैनल पे दिखाया गया। रवीश शंकर जो आपके लॉ मिनिस्टर, उन्होंने इसमें देखो ये राम की फोटो जोड़ी हुई। खतरा उनको क्यों है,
वो समानता नहीं चाहते, संविधान समानता देता। वो न्याय नहीं चाहते, संविधान न्याय देता। वो सबको तरक्की नहीं चाहते कि संविधान सबको तरक्की देना चाहते। सिर्फ ये झगड़ा है और कोई नहीं। तो इस संविधान का जो खतरा है इसको कैसे टाला जाए, इस समय तो सबसे जरूरी बात यह है। बाकी हमारी सारी समस्याएं हम बाद में हल कर लेंगे। आज तो सबसे बड़ी समस्या है संविधान को बचाने, और बचाए कैसे, इसको खतरा है उस चीज को टालना। संविधान को खतरा है केवल राजनीति से, एक राजनीतिक पार्टी से खतरा है, केवल उससे बचाना है। और उससे आप राजनीतिक तौर से ही बचा सकते हैं उसको। आपको राजनीतिक तौर से अपनी एकता बनानी पड़ेगी तो ही आप संविधान को बचा पाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर क्यों पैदा हुए थे? एक बौद्ध शासन 2500 वर्ष का होता है, जो 1955 में एक बौद्ध शासन 2500 साल का, 2500, वो 2500 साल बुद्ध के 1955 में पूरे हो गए। पहला बौद्ध शासन समाप्त और दूसरा बौद्ध शासन 1956 से आरंभ। उस दूसरे बुद्ध शासन का उद्घाटन करने के लिए बाबा साहब पैदा हुए थे, और 1956 में नागपुर में 10 लाख लोगों के साथ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के दूसरे बुद्ध शासन का आरंभ किया। एक बौद्ध शासन लागू कर दिया बाबा साहब ने 1956 में। और एक बौद्ध शासन की क्या 5 चीजें होती है? एक जिसका शासन होता है उसकी मोहर लगती है। इस देश में आज पार्लियामेंट की, जुडिशरी की, जहां भी कोई भी मोहर लगती है वो 4 सेर की लगती है, और वो 4 सेर बाबा भगवान बुद्ध के जीवन का प्रतीक। तो शासन की पहली चीज आपको दे गए इस देश की मोहर भगवान बुद्ध। जिसका शासन होता है उसका झंडा फहराता है। इस देश के झंडे में धम्म चक्र क्या है? भगवान बुद्ध का ज्ञान, वो प्रज्ञाशील समाधि का प्रतीक झंडे में चक्र। तो आज किसका झंडा फहरा रहा है? भगवान बुद्ध। हमें पता नहीं हमारा झंडा फहरा है, और इसी देश में नहीं, दुनिया के जिस देश में भी हमारी एम्बेसी है वहां भगवान बुद्ध का झंडा है। जिस हमारा राष्ट्र शासन बौद्ध शासन की तीसरी चीज होती है, जिसका राज होता है उसका सिक्का चलता है। इस देश में जो सिक्का है उसके ऊपर 4 शेर का चिन्ह। तो किस देश की करेंसी चलती है? किसकी? भगवान बुद्ध की करेंसी। तो बौद्ध शासन के साथ सिक्का भी चल रहा है, झंडा फहरा रहा है, मोहर लग रही है। सारा का सारा संविधान बौद्ध धर्म है, इसलिए बदलना चाहते। तो व्यवस्था जो है पूरी की पूरी इस देश की, वो बौद्धों की व्यवस्था है। ये मौर्य राज्य को दोबारा स्थापित करने का संविधान है, सम्राट अशोक के राज को दोबारा स्थापित करने का संविधान है। इसलिए चिंता है आज के शासक, इसलिए वो इसको समाप्त करना चाहते हैं। तो 4 चीज हो गई, 5 चीज चाहिए हमें बौद्ध शासन स्थापित करने के लिए। 4 चीज बाबा साहब दे गए, बिना लड़ाई के दे गए, बिना संघर्ष के दे गए। एक 5वीं चीज नहीं है, जिसका राज होता है उसका राजा होता है, तुम्हारा राजा नहीं। लेकिन तुम्हें हथियार दे गए इस 5वीं चीज को भी पूरा करने के लिए, तुमने उस हथियार को ठीक इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, आज खतरा नहीं होता संविधान को,
वो जो वोट का अधिकार बाबा साहब दे गए, ये बाबा साहब की वोट है, ये तुम्हारी वोट नहीं है जो तुम इसको कहीं बेचते। जिस दिन तुमने इस वोट के अधिकार को, जो इसका हकदार है, वो किसी जाति से हो किसी धर्म से हो, तुमने जिस दिन बाबा साहब की दी हुई वोट को उसको दे दिया जो इसका हकदार है, तो राज तुम्हारा होगा, प्रधानमंत्री तुम्हारा होगा, सारे मुख्यमंत्री तुम्हारे होंगे इस देश पे, संविधान को कोई खतरा नहीं होगा। इस तरह एक एक साथियों ने सिर्फ ये देखना है कि हमारी एक एक वोट बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के रास्ते पे जो चलने वाले हैं उनको जानी चाहिए। अगर इतना कर दिया तो आपका संविधान बच जाएगा, नहीं नहीं देखा। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ये राजनीति कैसे हम बचाएं, इसके लिए आपसे दो निवेदन मैं करूंगा। मैं बहुत विद्वान बैठे हैं काफी, मैं ज्यादा समय और नहीं दूंगा। एक तो आपको जो ये टेलीविजन है इसका बायकॉट करना है। देखिए क्यों करें, कुछ नुकसान होगा? क्या नुकसान है? आप देखोगे उसको तो आपका समय खराब, आप देखोगे तो आपकी बिजली लगेगी, बिजली खराब, बिजली का बिल आएगा तो आपका पैसा खराब, और आप जो चीज देखोगे उससे आपकी बुद्धि खराब। चार चीज खराब आपकी, क्या करना चाहेंगे आप? खराब क्या करोगे? बायकॉट दैट मीडिया जो आपकी खबर नहीं दे, उस टीवी को खोलेंगे नहीं, वो चैनल नहीं खोलना चाहिए आपके घर में। जो अखबार आपकी खबर नहीं दे, नागपुर में 20 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, दिल्ली में एक खबर नहीं होती, वो अखबार आपके घर में पहुंचे? जो अखबार आपकी खबर नहीं दे, वो अखबार आपके घर में नहीं पहुंचना चाहिए, यह प्रतिज्ञा लेके जाए। जो अखबार आपका समाचार दे, हमारा चाहे वो छोटा भी, आप उसको सपोर्ट करिए, अपना मीडिया स्ट्रॉन्ग करिए, तब आप राज ला पाएंगे, तब आप संविधान को बचा पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।